धुळे महापालिकेच्या शाळांच्या जागा बीओटीच्या नावाखाली बिल्डरांच्या घशामध्ये घालण्याचा डाव धुळे महापालिकेकडून सुरू झाला असून त्याला काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि सपा नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केलाय. चालू शाळा बंद करून मुलांना गॅरेजमध्ये पाठवायचं आहे का असा संतप्त सवाल देखील नगरसेवकांनी केला आहे. आजच्या महासभेतील विषय 145 नुसार महापालिकेच्या शाळा क्रमांक 4 आणि 8 येथे बीओटी तत्वावर व्यापारी संकुल आणि मल्टीपर्पज हॉल बनवण्याचा विषय चर्चेला येणार असल्यानं शाळा परिसरातील नगरसेवक आक्रमक झाले. या दोन शाळांमध्ये सुमारे 600 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी मध्यवर्ती भागातील ही शाळा असून या ठिकाणची जागा क्रीडांगणाची देखील आहे. शैक्षणिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक वापराची जागा बिगर शैक्षणिक कामासाठी देणं गैर आहे. शाळा बंद करून महापालिका नेमकं काय साध्य करणार आहे अशा पद्धतीनं धुळ्यामध्ये एक एक करून मध्यवर्ती अशा महापालिकेच्या सर्व शाळा संपवण्याचा उद्योग सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेनं आजच्या महासभेमध्ये या विषयाला मंजुरी देऊ नये अशी मागणी नगरसेवक साबिर शेख, वसीम बारी, कल्पना महाले, उमेद अन्सारी, मुख्तार मंसुरी, अब्दुल अन्सारी, अमीन पटेल यांनी केली आहे. या नगरसेवकांनी महासभा सुरू होत असताना विद्यार्थ्यांसह फलक झळकवत महासभेमध्ये प्रवेश करत लक्ष वेधून घेतलं. नगरसेवक वसीम बारी, आज विषय क्रमांक 145. इसके अंदर आज एक मांगनी की गई है कि शाला क्रमांक 4 और 8 के अंदर मल्टीपर्पज हॉल और मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स बनाया जाए. क्यों? शिक्षा को इतना कमजोर किया जा रहा है धुलिया शहर के अंदर कि शिक्षा के हर स्कूल, जितनी भी महानगर पालिका की स्कूल है, सबको बंद करके इनकम सोर्स बनाया जा रहा है महानगर पालिका का. ये घोर अन्याय है. मेरा और हमारे सब नगर सेवकों का, समाजवादी, राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी के सब नगर सेवक का इस विषय के ऊपर हम सबका विरोध है. शिक्षा को इतना कमजोर मत करो कि इस व्यापार से तोला जाए. हम सब नगर सेवक का इसको विरोध है, खासतौर से हमारी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का. हम सब नगर सेवक मिलकर आज इस विषय का महासभा के अंदर विरोध किया जाएगा. स्कूल नंबर 4 के अंदर 200 स्कूल नंबर 4 के अंदर इंग्लिश मीडियम चलाई जा रही है, जहां पर 150 से 200 बच्चे पढ़े जा रहे हैं. स्कूल नंबर 8 के अंदर बालवाड़ी के अंदर 40 से 50 बच्चे पढ़े जा रहे हैं. स्कूल नंबर 8 के अंदर पहली से लेकर 7वीं तक 174 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के साथ बच्चे पढ़े जा रहे हैं. तो फिर क्यों उस स्कूल को बंद करा जा रहा है? क्यों बच्चों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है? ये मासूम मासूम बच्चे, गरीब बच्चे शिक्षा छोड़कर क्या वापस से फ्लोट गाड़ी और गैरेज लैंड में जाए? नहीं, या ना हम सब नगर सेवक की तरफ से नहीं किया जाएगा. हम इस बच्चों के साथ हैं और इस विषय को हम सब नगर सेवक मिलकर रद्द करने वाले हैं. आज बस मेरे दो अल्फाज बोल के मैं खत्म कर